भाभी ने कर दिया। दिखाओगे आप अपने कपड़े? नहीं ये देखो। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है पालक बॉयल्ड, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से 4-5 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और रात को मैंने इसे साफ करके रख लिया था। तो यहाँ पे हो रहा है पालक बॉयल्ड। यहाँ पे तो यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ था 2 घंटे के लगभग, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस को मैंने छलनी में निकाल दिया था। तो मैं बनाऊंगी साबूदाना खिचड़ी। तो ये मैंने मूंगफली डाल दी है। तो मैंने घी लिया है, सरसों का तेल नहीं लिया है साबूदाना बनाने के लिए। तो रिफाइंड ऑयल नहीं था तो मैंने घी का यूज़ करा है। और इसी में साइड में ज़ीरा भी डाल दूंगी। तो इस तरीके से मैं मूंगफली डालकर ही साबूदाना बनाऊंगी। कई लोग तो यहाँ पर मेरी तैयार हो चुकी है साबूदाना खिचड़ी। आप इसमें बॉयल्ड आलू भी डाल सकते हैं और अगर आपका हरा धनिया है तो वो भी ज़रूर डालिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था अभी तो मैंने नहीं डाला है। तो बस फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरा नाम है रेनू और साबूदाना मेरा बन चुका है और क्या कहते हैं, पालक भी बॉयल हो गई है क्योंकि मैं आज बनाऊँगी पालक, शायद नाइट में बनाऊँगी डिनर में। तो उसको मैंने तैयारी अभी करके रख ली है, चाय बना ली है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और अनवी है स्कूल गई भी क्योंकि उसकी चल रही है योगा क्लास। तो आज उसकी पीटीएम भी थी तो पहले मैं उसके साथ गई मॉर्निंग में पीटीएम करके वापस आई, उसको वहीं पर योगा क्लास के लिए छोड़ कर आई। तो अभी उसको लेने भी जाना है। तो आज थोड़ा सा बिज़ी रूटीन था, मतलब कि सॉरी बिज़ी रूटीन है अभी। और मुझे आज जाना है कहीं बाहर, मैं आपको बताऊंगी कहाँ जाना है बाहर। और बारिश का भी मौसम थोड़ा सा बना हुआ है लेकिन अभी बारिश कुछ ज़्यादा हो नहीं रही है तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो उस तरीके से मैं थोड़ा सा तैयारी करूँगी। तो अनवी को मुझे लेने जाना है, उसके बाद उसकी ट्यूशन क्लास भी आज मॉर्निंग में है तो वहाँ पर भी उसे लेके जाना है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर बस वही, मैं पीटीएम से आई थी तो सुबह लंच वगैरह तो मैंने बना लिया था। तो बस फिर पीटीएम से आई, फिर पूरी किचन वगैरह क्लीन करी, जो बर्तन पड़े थे उनको भी क्लीन करा, उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाया। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाती है जब कभी मॉर्निंग में। और इसका जो पीटीएम का टाइम भी थोड़ा सा जल्दी था, 8:30 का, तो वहाँ पहुँचना था। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, देखती हूँ आगे आगे क्या काम आता है, सॉरी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं करोल बाग, जी हाँ, जहाँ मैं आपको बोल रही थी कि मुझे बाहर जाना है। तो मैं मंजू भाभी के साथ आई हूँ करोल बाग। तो करोल बाग हम मेट्रो से आए थे तो मेट्रो स्टेशन पर हम उतर चुके हैं और यहाँ से हमने ई रिक्शा पकड़ ली है। तो ई रिक्शा से हम जा रहे हैं टैंक रोड मार्केट। तो टैंक रोड मार्केट में देखते हैं क्या मिलता है, कैसी वो मार्केट है, आगे चलते हैं। तो ये एंट्री कर ली हमने टैंक रोड मार्केट में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं साइड बाई साइड पानी भी भरा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम था। मैंने जैसे कि आपको मॉर्निंग में बताया था कि बारिश हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर पहले हम बारिश हुई थी, लेकिन थैंक गॉड कि जितनी भी हमने विज़िट करी, जितनी देर हम मार्केट में रहे, उतनी देर कहीं पर भी बारिश नहीं हुई। तो इस तरीके से हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पे गर्ल्स की ड्रेसेस दिखाई दे रही हैं, टी शर्ट, स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह दिख रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे, गर्ल्स के भी, जेंट्स के भी। इस तरीके से ट्राउज़र लगे हुए हैं और लेडीज़ के भी, जैसे लेगिंग, जैगिंग, ट्राउज़र, पैंट्स, ये सब यहाँ पर इस तरीके से शॉप्स दिखाई दी हमें। और इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे भी लेडीज़ के ट्राउज़र वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हर टाइप के ट्राउज़र आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पैंट्स भी मिल जाती हैं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर गलियों में जाकर विज़िट करना पड़ेगा। तो ये लेगिंग जैगिंग भी आप देख सकते हैं, जीन्स भी देख सकते हैं। तो जैसे कि गांधीनगर मार्केट में भी गलियां हैं, इसी तरीके से यहाँ टैंक रोड पे भी इसी तरीके की छोटी छोटी पतली पतली गलियां थी, उसमें अंदर जाकर आपको विज़िट करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि जिस मार्केट में हम ये घूम रहे हैं ये होलसेल मार्केट है, मतलब रिटेल मार्केट नहीं है। अगर किसी का होलसेल पे काम है या कोई शॉप वगैरह है या वो अपना कोई बिजनेस करता है तो यहाँ पर आकर विज़िट कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेडीज़ का कलेक्शन था वो मतलब था, लेकिन कम था।
बेसिकली ये जो मार्केट है वो जेंट्स वेयर के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे कि अगर आपको जेंट्स के लिए टी शर्ट चाहिए, पैंट्स चाहिए, कार्गो चाहिए, ठीक है, या फिर लेडीज़ की भी अगर आपको पैंट्स चाहिए, जैगिंग, लैगिंग और ट्राउज़र चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी मिल जाती है। जीन्स की, कार्गो की बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। लेकिन मैं जहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप गर्ल्स वेयर के लिए, लेडीज़ वेयर के लिए यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं, तो वो मतलब मुझे, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप यहाँ पर आएँ। तो लेकिन हाँ, अगर आपको जीन्स का अपना कोई काम करना है, ठीक है, जीन्स का बिजनेस करना है या पैंट्स का बिज़नेस करना है, शर्ट का बिज़नेस करना है, कार्गो का बिज़नेस करना है, मैन वेयर्स का, तो वो उसके लिए ये मार्केट आपके लिए बेस्ट है। तो आप यहाँ पर होलसेल मार्केट में आ सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं कितना कितना सामान यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है अंडरग्राउंड, यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं हलवाई वाली गली, तो आपको बता देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेडीज़ वेयर मिल जाता है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं प्लाजो, मंजू भाभी ने यहाँ से प्लाजो लिए हैं। तो इन भैया के पास मिल गया था कि इन्हें चाहिए था बड़ा साइज़, जो कि नहीं मिल पा रहा था, तो वो फाइनली यहाँ पे मिल गया। तो जब हम करोल बाग मार्केट यहाँ पर आए हैं टैंक रोड, तो हमने सोचा कुछ हमसे हमें यहाँ से परचेस कर लेना चाहिए, तो थोड़े बहुत प्लाजो यहाँ से हमने ख़रीद लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स, टैंक रोड से हम निकल चुके हैं ऑटो लेकर, और हम जा रहे हैं अब गांधीनगर, क्योंकि हमने सोचा कि लेडीज़ वियर का यहाँ पे ज़्यादा कोई कलेक्शन है नहीं, तो हम चलते हैं गांधीनगर, क्योंकि मंजू भाभी को ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो बस हम वहीं जा रहे हैं। तो एंट्री कर ली है हमने गांधीनगर मार्केट में। तो गांधीनगर की मार्केट में एक तो होता है कि जब आप एंट्री करते तो बाहर मेन मार्केट होती है, जहाँ पर आपको रिटेल में भी कपड़े मिल जाते हैं। तो ये हमने अंदर जो गलियां जा रही हैं ना, उन्हीं में आपको जाना है, क्योंकि वहीं पर होलसेल मार्केट है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर किसी का अपना काम है तो वो तो होलसेल मार्केट से ही वो उसको शॉपिंग करनी चाहिए। तो होलसेल मार्केट आपको अंदर ही अंदर गलियों में जाकर विज़िट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आपको लेडीज़ का हर सामान मिल जाएगा, जैसे लेगिंग, जैगिंग, प्लाजो, कुर्ती, ड्रेसेस, गाउन, जीन्स, मतलब सब कुछ ही आपको गांधीनगर मार्केट में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि आपको विज़िट करना पड़ेगा, मतलब कि घूमना पड़ेगा मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक शॉप में चले गए और वहाँ पर आपने मतलब कि अगर आपको सामान लेना है तो आपने सारा कुछ, पहले आप मार्केट को विज़िट करिए, हर शॉप को विज़िट करिए, वहाँ पर रेट पूछिए, रेट की चेकिंग कीजिए कि कहाँ पर क्या रेट है। उस तरीके से ही आपको, जब आप सेटिस्फाइड हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ पर अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो वहीं से आप अपना सामान खरीदें। तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए प्लाज़ो लगे हुए हैं, तो अलग अलग रेट के प्लाज़ो होते हैं, फिर जैसा साइज़ होता है तो साइज़ के अकॉर्डिंग भी रेट चेंज हो जाते हैं। तो गाउन वगैरह भी मिल जाएगा आपको, फैंसी हो, कॉटन हो, होजरी हो, हर टाइप की मैक्सी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटे बच्चों के कपड़े से लेके, मतलब मैं क्या बताऊँ, अगर आपको कपड़ों का बिजनेस करना है तो आपके लिए गांधीनगर मार्केट बेस्ट है। तो ये अभी हम गांधीनगर मार्केट में एक शॉप में आ गए हैं। तो यहाँ से हमने कुछ परचेज करी है नाइटी, तो इसमें ये कॉटन की नाइटी हमने परचेज करी है। तो यहाँ पे 120 या 125 से नाइटी स्टार्ट थी, तो वही मंजू भाभी ने यहाँ से परचेज करी है। तो होलसेल मार्केट में आपको जितने का उनका सेट होता है वो आपको पूरा परचेस करना होता है, चाहे वो 6 का सेट हो या 4 का सेट हो, वो आपको पूरा ख़रीदना पड़ेगा। तो बस गांधीनगर में करी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग, और उसके बाद हम वहाँ से फिर से हमने बस पकड़ी और फटाफट आ गए हम लक्ष्मी नगर मार्केट, क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट गांधीनगर मार्केट के पास ही पड़ता है, तो आप रिक्शा करके भी आ सकते हो। तो सबसे पहले हमें लग गई थी भूख, क्योंकि हमने दिन में लंच वगैरह भी ठीक से खाया नहीं था, तो भूख लग गई, तो हमने कहा चलो मोमोज़ खा लेते। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमने आटे के मोमोज़ खाए और मैदे दोनों के हमने इंजॉय करे, क्योंकि ये भैया आटे के भी मोमोज़ बना रहे थे, तो हमने कहा चलिए आटे के भी मोमोज़ ट्राई करते हैं, तो काफ़ी टेस्टी थे। तो अभी हम निकल चुके हैं लक्ष्मी नगर से और हम बस से जा रहे हैं, और अभी 8:30 के लगभग हो चुका है, और मंजू भाभी ने आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है और मैंने तो थोड़ी बहुत ही करी है, लेकिन ज़्यादा मंजू भाभी ने करी है। दिखाओगे आप अपने कपड़े? नहीं ये देखो पूरे बैग भर हैं, दो दो बैग भर के लाए हैं। तो बस अभी हमें जल्दी घर पहुंचना है, क्योंकि हमारे हस्बैंड लोग ना वेट कर रहे हैं घर पे, और अभी हमारा डिनर भी नहीं बना है, तो घर जाके देखते हैं अब क्या बनेगा, क्या खाएंगे हम लोग।
घर जाकर ही मैं आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स अभी 9 o'clock के लगभग होने वाले हैं और अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर ना अभी बहुत जाम हमें आज मिला। और वैसे भी शाम को आप निकलती हो ना तो आप दिल्ली को तो जानती हो, दिल्ली में हर जगह जाम मिलता ही मिलता है। तो बस भाभी और मुझे यही लग रहा है कि फटाफट हम घर पहुँचे क्योंकि घर में भी फैमिली है तो उनको भी देखना होता है, क्योंकि अभी डिनर वगैरह घर में भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो बस थोड़ी सी तैयारी मैं सुबह की कर आ गई थी, तो बस थोड़ा बहुत मैं राइस वगैरह बनाऊँगी घर जा के, तो फटाफट डिनर हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि घर से थोड़ी सी तैयारी करके चलनी पड़ती है अगर आप कहीं मार्केट में निकलते हो, और अगर आप एक बार मार्केट में निकलते हो तो टाइम आपको लगने ही वाला है। तो आप जैसे कि बाहर भी देख सकते हो कितना रश है यहाँ पर इस टाइम। तो बस फटाफट घर पहुँचते हैं, तो इसलिए मैं इस व्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। और जो भी मैंने थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग करी है वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया है, तो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तो इसी तरीके से आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि आप मेरी वीडियो में क्या क्या देखना चाहते हैं। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।